పరిగణిస్తున్నాము అలాగే సీనియర్ నాయకులు నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఇన్నసెంట్ గారిని కూడా వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం భారత్ మాతాకి యోగి సత్కరిస్తున్నాం అలాగే సీనియర్ నాయకులు నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఇన్నసెంట్ గారిని కూడా వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం భారత్ మాతాకి యోగి సత్కరిస్తున్నాం देखिए रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ ये दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चल करके पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत की सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर इस संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना, ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म है, इस प्रकार के गिदड़ी भपकियों में डरने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एकमात्र प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या कृत्य किया है, वह किसी भी स्थिति में वह स्वीकार्य योग्य नहीं है। दूसरा, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है।
वे भारत के संविधान के शिल्पी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के पुनः भारत के विभाजन की आधारशिला तय करने की एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जो निर्णय लिया है अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। टीएमसी और इंडी गठबंधन, कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। बार बार बोले छे जे मुस्लिम रा नाकी जीते गिए तपस्विनीदेर संरक्षण तुले देबे, बोले छिलो कि बोलेनी, बोले छिलो कि बोलेनी, हिंदू मुसलमाने भागाभागी कर दिच्छेन देशेर प्रधानमंत्री, सारा विश्व सुनले निंदा करबे, एवं एइटाई आजके कोर्टके दिए करिएछे। कोर्टेर सबाई खराब नय, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। আমি বারবার বলেছি কেন মুসলিমরা তপশিলিদের চাকরি কাটতে যাবে, তাদের রিজার্ভেশনে ভাগ বসাবে, ওদের এত খারাপ ভাবার কোনো কারণ নেই, তুমি পছন্দ করো না বলে। আচ্ছা বলুন তো, কোনো মা তার সন্তানকে খেতে দেওয়ার সময় তিনজনকে খেতে দেয় আর দুজনকে দেয় না, এটা কখনো হতে পারে? এটা সংসারে কখনো হয়? এটা বিজেপির হয়, তাই কি দরকার ওদের জন্য? কি দরকার? গণতন্ত্রের জব্দ করা দরকার, গণতন্ত্রের ব্যালটে ওদের স্তব্ধ করবার দরকার। তাই মনে রাখবেন, এই সব এনআরসি আমি করতে দেব না, কে করতে দেব না। ইউনিফর্ম সিভিল কোড করে তপশিলিদের রিজার্ভেশন করতে দেব না, আদিবাসী এবং ওবিসিদের রিজার্ভেশন কাটতে দেব না, সাধারণ মানুষের রিজার্ভেশন কাটতে দেব না। এবং সাথে সাথে এটাও মনে রাখবেন, বাংলাটাকে জেলখানা করতেও দেব না। এবং বাংলায় আমাদের সাথে কংগ্রেস সিপিএমের কোনো জোট নেই, কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমরা ইন্ডিয়ার সাথে আছি। বাংলায় আমরা যতগুলো সিট জিতব, যত বেশি হবে তত বেশি করে বিজেপিকে দূর করে আমরা লোকসভা থেকে তাড়িয়ে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্বৈরাচারী সরকারকে তাড়িয়ে আমরা আমাদের সরকার এনডিএ সরকার, মানে এনডিএ নয় সরি, এনডিএকে হাটিয়ে আমরা ইন্ডিয়ার সরকার আমরা ওখানে প্রতিষ্ঠা করবো।